ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। विंडोज एक्सपी के आज के अध्याय में हम सीखने वाले हैं माय डॉक्यूमेंट्स के बारे में। साथ ही हम सीखेंगे फाइल फोल्डर आदि का व्यू बदलना, फाइल फोल्डर आदि को सिलेक्ट करना। माय कंप्यूटर के बारे में हम जानेंगे और सीखेंगे किसी प्रोग्राम फाइल आदि का शॉर्टकट बनाना। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं माय डॉक्यूमेंट्स के बारे में। यह एक पर्सनल फोल्डर होता है जो सिस्टम में पहले से ही बना हुआ होता है। आप जो भी फाइल सेव करते हैं वह बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ही जा कर के सेव होती है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानें। अगर आप माय डॉक्यूमेंट्स खोलना चाहते हैं तो इस पर डबल क्लिक करें। ये माय डॉक्यूमेंट विंडो आपके सामने खुल गई है। इसे खोलने पर इसमें रखी सारी फाइल्स और फोल्डर्स आपके सामने आपको नज़र आ जाते हैं। इसमें कुछ अतिरिक्त फोल्डर्स होते हैं जैसे माय म्यूज़िक, माय पिक्चर्स, माय वीडियोस, जिनमें आप अपनी म्यूज़िक, पिक्चर्स, वीडियोस आदि की फाइल्स सेव कर सकते हैं। इसमें माय म्यूज़िक और माय पिक्चर्स में कुछ फाइल्स पहले से ही होती हैं जिन्हें हम ओपन करके देख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम माय पिक्चर्स फोल्डर को ओपन करके देखते हैं। उसके लिए आप इसे डबल क्लिक करें। ये देखिए, इसमें एक सैम्पल पिक्चर्स का फोल्डर आ गया। यहाँ पर इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये कुछ फाइल्स आपके सामने आ गई हैं। ये फाइल्स जो हैं, जिस तरह से यहाँ पर अरेंज्ड आपको दिख रही है या जिस तरह से नज़र आ रही हैं, इनका व्यू अगर आप चेंज करना चाहें तो वो आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर ऊपर ये जो बटन दिया है व्यू का, इस पर जाकर एरो पर आप क्लिक करें और ये देखिए यहाँ पर आपके सामने ये सारे अलग अलग व्यूज़ के ऑप्शन हैं। अभी जो जिस तरह से आपको फाइल्स नज़र आ रही हैं वो आइकन्स पर सेट हैं। अब मान लीजिए आप इसका व्यू बदलना चाहते हैं, आप टाइल्स फॉर्म में जाना चाहते हैं, तो आप टाइल्स पर जाकर के क्लिक कर दीजिए, ये इसका व्यू बदल गया। आइकन्स में केवल उन फाइल्स का नाम आ रहा था, पर अब उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी यहाँ आपको नज़र आ रही है। वापस आप व्यू पे गए, अगर आपको इसका व्यू फर्दर चेंज करना है तो आप इसे फिर बदल सकते हैं। अभी हम टाइल्स पर हैं। मान लीजिए आप थंबनेल्स पर जाकर के ये व्यू लेना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दें और ये देखिए जो थंबनेल में जो पिक्चर थी वो पिक्चर सहित आपको अब ये व्यू जो है वो पिक्चर सहित नज़र आ रहा है। अगर आप इसे लिस्ट फॉर्म में देखना चाहते हैं तो लिस्ट पर जाकर के क्लिक कर दें, ये सारी फाइल्स अब पूरी लिस्ट फॉर्म में आ गई हैं। और अगर आप इनकी डिटेल्स जानकारी चाहते हैं तो डिटेल्स पर जाकर के क्लिक कर दें, तो अब यहाँ पर आपको फाइल्स के नाम के साथ साथ उनका साइज़, वो किस टाइप में हैं और किस डेट को उन फाइल्स में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है, उनका डायमेंशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो जो भी आपको इसमें से चूज़ करना हो वो व्यू आप रख करके उसे क्लिक कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर आपका काम हो गया और अब आप वापस माय डॉक्यूमेंट्स विंडो पर जाना चाहते हैं, तो या तो आप क्लोज़ बटन पर जाकर उसको बंद कर दें, और या फिर दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं बैक और फॉरवर्ड, ये दो बटन दिए हुए हैं। आगे जाने के लिए अभी हमारे पास कुछ नहीं है, तो आप बैक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पीछे जाते जाएंगे। एक बार आपने क्लिक किया, हम पीछे आ गए और इस तरह से पीछे गए, तो ये अब आपके सामने जो विंडो है वो है माय डॉक्यूमेंट्स की विंडो। आगे जाना चाहते हैं तो आप फॉरवर्ड पर क्लिक करते जाइए, वापस आप वहीं पर आ गए सैम्पल पिक्चर्स के फोल्डर पर। इस तरह से आप बैक और फॉरवर्ड कर सकते हैं। माय डॉक्यूमेंट्स की विंडो में आप देख रहे हैं कि जो आपके फोल्डर्स या फाइल्स यहाँ पर रखी होंगी, जिस तरह से हमने पिक्चर्स के फोल्डर में जाकर के सैम्पल पिक्चर्स के फोल्डर में व्यू को चेंज किया था, आप चाहें तो वो यहाँ पर भी कर सकते हैं। उसी तरह से व्यूज़ पर जाकर के आप अगर इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी आपका व्यू बदल जाएगा। ये तो हुआ व्यू बदलना, और अब आइए हम सीखते हैं किसी भी फाइल्स या फोल्डर्स को सिलेक्ट करना। मान लीजिए आप जितने भी फोल्डर्स या फाइल्स इसमें हैं उन सभी को सिलेक्ट करना चाहते हैं,
एक साथ सबको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसका सीधा सा तरीका है, आप एडिट पर जाएं, वहां जाकर क्लिक करें। इसमें नीचे के पार्ट में सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन दिया हुआ है, उसको क्लिक करें और ये देखिए आपके जितने भी फोल्डर्स यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं वो सब सिलेक्ट हो गए। अब सिलेक्ट कर लेने के बाद आप जो भी इनका उपयोग करना चाहें, कट करना चाहें, कॉपी करना चाहें, डिलीट करना चाहें वो कर सकते हैं। और उसके बाद इससे अगर बाहर आना है तो आप क्लिक कर दीजिए और ये देखिए आपका सिलेक्शन हट गया। अब मान लीजिए कि आप इन सारे फोल्डर्स को सिलेक्ट नहीं करना चाहते, पर मान लीजिए हमको ये तीनों फोल्डर्स चाहिए केवल, उसके लिए तरीका है आप माउस को क्लिक करें और फिर ड्रैग कर दें। ये देखिए अब आपके केवल ये तीन फोल्डर सिलेक्ट हो गए हैं और ये चार छूट गए। ये तरीका आपका तब काम आएगा जब पास पास में खड़ी लाइन में या आड़ी लाइन में पास पास में आपको सारी फाइल्स और फोल्डर सिलेक्ट करना हो तो। पर मान लीजिए स्थिति ऐसी है कि आप ऐसे फोल्डर्स चुनना चाहते हैं या फाइल्स को चुनना चाहते हैं जो दूर दूर हैं, एक लाइन में नहीं आती हैं। मान लीजिए हमको ये फोल्डर चुनना है, इसके साथ इस फोल्डर को हम चुनना चाहते हैं और उसके बाद ये फोल्डर चुनना चाहते हैं। अब ये तीनों फोल्डर्स जो हैं वो एक लाइन में नहीं हैं, इसके लिए हम ड्रैग वाला ऑप्शन नहीं ले सकते। इसको चुनने के लिए सीधा सा तरीका है कि आप एक फोल्डर पर क्लिक करें, ये सिलेक्ट हो गया। अब आप अपने कीबोर्ड पर जो कंट्रोल की है उसको दबाएं और उसको दबाए रखते हुए जो और अन्य फोल्डर्स आप चुनना चाहते हैं उन पर क्लिक करते जाएं। दूसरा फोल्डर हमने ये चुना, तीसरा फोल्डर हमने ये चुना, ये देखिए आपके ये तीनों फोल्डर्स सिलेक्ट हो गए और जो भी अब आप इनका करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं माई कंप्यूटर के बारे में। इसकी सहायता से आप कंप्यूटर में रखी फाइल्स, फोल्डर्स तथा ड्राइव्स के साथ आसानी से काम कर सकते हैं। इसे देखने के लिए सबसे पहले माई कंप्यूटर पर जाकर हम इसे खोल लें। माई कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है हार्ड डिस्क ड्राइव्स, जिसमें सिस्टम की हार्ड डिस्क को यहां पर तीन भागों में बांटा गया है। वैसे ये तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। इसमें सी ड्राइव सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल रहती है जिसके डिलीट होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य नहीं करता है। सी ड्राइव के अतिरिक्त जो ड्राइव्स आप देख रहे हैं उसमें आप अपनी सभी फाइल्स और फोल्डर्स सेव कर सकते हैं। जिस तरह से माई डॉक्यूमेंट्स में हमने फोल्डर बनाए थे उसी तरह से अगर आपको माई कंप्यूटर में फोल्डर बनाना हो तो वो आपको ड्राइव्स के अंदर जाकर बनाना होता है। मान लीजिए इस ड्राइव में आप फोल्डर बनाना चाहते हैं तो इसे ओपन कर लें और अब यहाँ पर जाकर आप पिछले अध्याय में जिस तरह आपको फोल्डर बनाना सिखाया था उस तरह से फोल्डर बना सकते हैं। इसके बाद का भाग है डिवाइसेस विद रिमूवेबल स्टोरेज, जिसमें यदि हम सीडी इंसर्ट करते हैं या पेन ड्राइव अटैच करते हैं तो उसे हम यहां पर देख सकते हैं और खोलकर उसमें काम कर सकते हैं। आइए अब हम सीखते हैं किसी भी प्रोग्राम या फाइल आदि का शॉर्टकट बनाना। यदि हमें नोटपैड में काम करना होता है तो उसे ओपन करने के लिए हम पहले स्टार्ट पर क्लिक करते हैं, ऑल प्रोग्राम्स में जाते हैं, मेन्यू में से एक्सेसरी चुनते हैं और आगे के मेन्यू में से हम नोटपैड पर जाकर क्लिक करके इसकी विंडो खोल लेते हैं। अगर आपको बार बार नोटपैड पर काम करना होता है तो इतनी लंबी प्रोसेस को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम बना लेते हैं इसका शॉर्टकट। देखते हैं शॉर्टकट कैसे बनाएं। उसके लिए नोटपैड पर जाकर के राइट क्लिक करें, सेंड टू पर जाएं और आगे जो मेन्यू आपके सामने आया है उसमें डेस्कटॉप पर जाकर के क्लिक कर दें। जैसे ही आप वहां क्लिक करेंगे ये देखिए डेस्कटॉप पर आपका नोटपैड का शॉर्टकट तैयार हो गया है। इसकी पहचान ये होती है कि इसके आइकन के नीचे ये एक एरो का निशान लगा होता है, इसका मतलब है कि ये उसका शॉर्टकट है। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं टेली का शॉर्टकट है। अब जब भी आप इस पर काम करना चाहें अगली बार तो आपको सारी प्रोसेस दोहराने की जरूरत नहीं, केवल आप यहीं से इस विंडो को खोल सकते हैं और काम कर सकते हैं। विंडोज़ XP में आज हमने सीखा
माय डॉक्यूमेंट्स के बारे में, फाइल फोल्डर आदि का व्यू बदलना,